सब मुझे डॉक्टर जेकब के नाम से जानते हैं, लेकिन कामयाबी का मुझमें घमंड नहीं है। यह दिन आपके लिए शायद एक आम दिन जैसा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इस दिन का सामना करने के लिए मेरे पास सिर्फ अपना न्याय ही है। यहां किस्मत सबसे जरूरी है, इंतजार है तो बस इन चंद घंटों का। हेलो। हेलो, क्या ये डॉक्टर जेकब का घर है? जी हाँ। क्या डॉक्टर हैं? नहीं। और कब तक आएंगे? पता नहीं। हॉस्पिटल से भी यही जवाब मिला? आप कौन, उनकी वाइफ है क्या? हाँ जी। बेटी, 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 तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में मुझे तुम्हारे पापा से ही पता चला। फिर जब उन्होंने मुझे तुमसे मिलने को कहा, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बार तो हद ही पार हो गई। जिंदगी भर सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंड करने को मैं तुमसे नहीं कहूंगा, लेकिन सबको एक ना एक बार लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पर डिपेंड होना ही पड़ता है। अब तुम्हें ही देख लो, 8 साल पहले एक बहुत ही छोटी सी बात से शुरू हुई तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम, वो क्या है मुझे आज भी नहीं मालूम और ना ही मुझे जानना है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से ये मालूम है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा ये मामला बड़ी मुश्किल से सेटल किया है, वरना तुम्हारा करियर वहीं पर ही खत्म हो जाता। देखो, कारण चाहे कोई भी हो तारा, लेकिन तुमने 2 मर्डर किए हैं। एनी प्रॉब्लम सर? नथिंग। आपने मिलने के लिए कहा, मैं आ गई, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरे और पापा के इश्यू को खत्म करके मेरे करियर को सुधारने के लिए आए हैं तो भूल जाइए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर मेरे करियर में कोई ब्लैक मार्क है भी तो मैं किसी भी तरह से उसे मिटा लूंगी। इट्स माई करियर, इट्स माई लाइफ। क्योंकि तुम्हें थप्पड़ लगाने के लिए कोई नहीं है, कम से कम इस हालत में मुझे लगा कि तुम थोड़ा बदल चुकी होगी। माफ करना, मुझसे गलती हुई, मैंने बेकार में अपना टाइम वेस्ट किया। और एक बात, आइंदा कभी उनका मीडिएटर बनके मेरे सामने मत आइएगा। ये मत सोचिएगा आपका टाइम वेस्ट हुआ, बिल के पैसे रखिए। तुम्हारे ऊपर बस तुम्हारा ईगो सवार है, देखना इसकी वजह से तुम्हें एक ना एक दिन बहुत बुरा फंसोगी। अबे थोड़ा धीरे ब्रेक मार। सॉरी सर। अब दरवाजा खोलने के लिए कौन आएगा? सर। सर, अब आपका हाथ कैसा है? हाईकोर्ट के आगे पिकेटिंग का क्या हाल है? कौन सा पिकेटिंग? जानते हो, तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ही ये सब हो रहा है। सर, एडीजीपी ने कॉल किया। मुझे मालूम है, इन हरामियों को यहां भेजकर वो मुझे कॉल करेंगे ही। सुबह ही सुबह पहुंच गई होगी ना? कौन? अरे वो एसीपी तारा। बेंगलोर में 2 लोगों के मर्डर का केस अब तक चल रहा है, और इसके बीच में उस चेटियार के पीछे पड़ के यहाँ के माफिया को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है वो। वो सोचती है मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर इसने उनको उंगली करके कुछ भी गड़बड़ी की तो सोच के ही डर लग रहा है। अब तुम जाके उसको बोल दो कि मैं उसे बुला रहा हूँ। बस उसको बता दो कि मैं आ गया हूँ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है सर।
ये लोग ढंग से सफाई भी नहीं करते। तू पुलिस कमिश्नर? शहर में पुलिस लापरवाह है चोरों को पकड़ने में। पुलिस की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एड्रेस में भी कुछ नहीं लिखा है। सर। यस। तारा मैथ्यू, आपने मुझे बुलाया सर? मैंने? जिसने भी इसे पुलिस में लिया है वो ओके ओके। सर, ANS से मिली हुई रिपोर्ट है ये। सोचा था सर के आने के बाद डिस्कस करेंगे। और कैसी हो तुम? मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, मतलब बस ऐसे ही पूछ लिया। फाइन। बैंगलोर कैसा है? यहाँ की तरह ही गर्म है? 4 महीने पहले मैं भी बैंगलोर गया था। सर, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। आपको जो कुछ भी पूछना है सीधा सीधा पूछिए। ओके ओके। तुम्हें मालूम ही होगा मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। देखो, ये सब बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन ऐसी किसी मुसीबत में हमको हमेशा लॉन्ग रन के लिए भी कंसर्न होना चाहिए ना। असल में मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं भी नहीं समझी। अरे, तारा जैसी ऑफिसर को इतनी डिटेल में समझने की जरूरत है क्या? हैं? बट स्टिल, देखो, ये कर्नाटक नहीं है, वहां की चीजें भूल कर आगे बढ़ना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। मैं क्या कहना चाहता हूं तारा, लगभग तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना? ओके, तो हमारे बीच में हमेशा ऐसे ही रहेगा। करियो करियो। थैंक यू। बाय द वे तारा, तमिलनाडु बेस्ड एक चिट्टियार है, उनकी यहां की डीलिंग्स के बारे में कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं सर। नो आइडिया, देन ओके। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, तुम जा सकती हो। सर। अंगुना, वो सर पैसा सुन लिया, 4 करोड़ का डील है, काम होने पर 2%। ओके, ये 4 करोड़ का 2% कितना होगा रे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख रुपए भाई, सच में। तुझे 25 तारीख तक जैकब डॉक्टर पर नजर रखना है, समझा? हाँ ठीक है भाई। यार रहने दे, तू तो शादी शादी करके मर रहा है। मैं ये काम वो बिहारी लड़के को दे रहा हूँ, उसको तो बस 1000 रुपए देने से चलेगा ना। क्या कह रहे हो भाई, मैं तो आपका साथी हूँ, भूल गए? मैंने तो आपको 2% का हिसाब भी बताया है। प्लीज भाई, ना मत करो। मुंबई पुराना मुंबई होगा, लेकिन अल्ताफ पुराना अल्ताफ नहीं है। तुम जैक, पहले मेरे लिए मस्त झाग वाला साबुन लाओ। जाना तू ज्यादा मत बोल, मामले का फैसला होने से पहले हम निकल जाएंगे, ये सोचना भी मत। अरे मेरा फोन तो दो यार, मामले के बारे में बताने तो दो, मेरा यहाँ बेकार में खड़े रहने से कोई फायदा नहीं चलेगा। तुम यहाँ रहोगे तो ही उसके ऊपर दबाव बनेगा, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, उसको आना ही पड़ेगा। वकील जी,
वकील साहब, कितनी देर से आपको फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये सब लोग कौन है? मैं यहाँ की वर्कर्स यूनियन का लीडर हूँ। नमस्कार जी। हाँ। डॉक्टर जेकब का क्या हुआ वकील साहब? अब सामान उसके पास है पर दूसरा बायर है, बात करेंगे तो हो जाएगा शायद। तो बात करो ना। पर ये लोग देंगे तब तो, मेरा फोन इनके पास है। जरा ये फोन तो दीजिए, अभी वापस करता हूँ। डॉक्टर को बुलाइए वकील साहब। जी भाई, मैं इस जगह का मालिक हूँ, प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ की वर्कर्स यूनियन का लीडर है, अभी आपने बताया ना। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे ये खदान खरीदने से सारे वर्कर्स लोगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए हर एक को 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने पड़ेंगे। पर जॉब तो किसी की नहीं छूट रही है। देखिए मैं एक सीधा साधा ब्राह्मण हूँ, क्यों एक ब्राह्मण की बददुआ ले रहे हैं आप? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ना। पर ये सब नहीं चलेगा। ये सब तो तुम अभी बोलोगे ही, लेकिन बाद में अपने लोगों को काम पर लगाओगे, इसलिए हमारी मांगों पर कोई फैसला होने तक हम लोग खदान को चलने नहीं देंगे। अरे मुझे तो कुछ बोलने दो। ये जो तुम्हारा ब्राह्मण राज है यहाँ पर नहीं चलेगा। देखिए आप शोर मचाएंगे तो दूसरों को पता चल जाएगा और बड़ा मसला खड़ा होगा। देखिए ये मेरे वकील साहब हैं, इनसे बात कीजिए, सब सॉर्ट आउट। चुप कर साले, बात सुन, यही पत्थर में सिर फोड़ दूंगा तेरा। वकील साहब क्या हुआ, डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? अरे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, तुम आखिर चाहती क्या हो? हैं? एक फेक कॉल के पीछे? चह बेकार में, यू आर वेस्टिंग योर टाइम डीलिंग, और वो भी यहां, कौन विश्वास करेगा इस पर? हैं? सर कॉल फेक है ये चेक तो करना पड़ेगा, पर कॉल में बताया कार का नंबर किसी डॉक्टर का है, कोई मिस्टर जेकब। कंफर्मेशन के लिए ऑलरेडी किसी को भेज दिया है मैंने। वो फेक है कि नहीं ये दूसरी बात है, अगर तुम इस तरह हड़बड़ी में इन चीजों में पड़ोगी तो वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक सरदर्द हो जाएगा, स्पेशली मेरे लिए। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तुम्हें इस तरह के केस में नहीं फंसना चाहिए। अगर चाहो तो इमरान जैसे किसी को सौंप दो, आई मीन जस्ट लीव। आई डोंट थिंक वी कैन इग्नोर दिस केस, खासकर जब एक डॉक्टर इन्वॉल्व है इसमें। तुमको इसमें कुछ और ही दिख रहा है। अगर मेरी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, तो ये सब चिट्टियार के लिए हो रहा है। ये चिट्टियार की पुरानी डील्स में पहले भी कई डॉक्टर्स का नाम आया है, सो आई थिंक। हाँ पता था, मुझे पता था तुम उसी ट्रैक पर जा रही हो। जब मुझे पता चला कि तुम इस केस के पीछे पड़ी हो, तब मैंने कई बार घुमा फिराकर तुमसे इसके बारे में पूछा था, तब तुमने ऐसे नाटक किया जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम इसी वक्त का इंतजार कर रही थी ना? ये मत सोचना कि इसके पीछे का तुम्हारा इरादा किसी को नहीं मालूम। एक मेकओवर यही चाहिए था ना तुम्हें इस वक्त, है ना? तुम्हारा कैलकुलेशन। अरे इमरान सर, तुम्हारे सुपीरियर ऑफिसर ने कुछ भी बेवकूफी की तो पॉइंट आउट करने में देर मत करना, समझ में आ गया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, ये एडवाइस लेने के लिए नहीं आई हूँ, बस बताने आई थी। और मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से तो सब शामिल है, लीव पर गए कमिश्नर की एब्सेंस में डिसीजंस लेने का अधिकार एसीपी का है, वैसे ही लेना इसे। हेलो, हाँ जॉर्ज बोलो। जाओ बाहर जाकर बात करो। सॉरी सर। नॉनसेंस। देखो तारा, ये इमोशनल होकर लेने वाला फैसला मैं भी किसको समझा रहा हूं। मैडम कांस्टेबल जॉर्ज का फोन आया था और उसे उस एड्रेस पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, इनफैक्ट वो कार भी वहीं पर खड़ी है। सॉरी। तो आप लोग जा रहे हैं ना? अब अगर इसके बारे में घर वालों की कोई कंप्लेंट हो तो हम एक केस रजिस्टर कर लेंगे, क्या कहती हो, है ना? सर लेट्स गो। सुनो, इस मामले में जब तक कोई फैसला ना हो जाए
तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अकाउंटेंट को तो बुला नहीं रहे। मैंने कहा ना छुपाओ, घुसा के मारूंगा चाकू तेरी माँ का। अकाउंट्स मेरे वापस आने तक का टाइम है तेरे पास, तब तक सारे अकाउंट्स यहाँ साफ साफ दिखने चाहिए, समझा साले। और उससे पहले अगर इस कमरे से बाहर निकला ना तू, समझा? अरे अनिल जी, गाड़ी निकाल। बस स्टैंड चलोगे? बैठिए। मैडम, मैडम हमें और इंतजार करने की क्या जरूरत? अभी भी तो इसे अरेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर जेकब के मिल जाने से हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। आखिर ये जाता कहाँ तक है, मुझे ये देखना है। इसका पीछा करके कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? देखिए मैडम, ये बात उसी के मुंह से सुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब This is it, इमरान। बस अब मेरी इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है तुम्हें, ओके? मैडम। What? एक बार और सोच लेते हैं। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही बड़ा रिस्क ले रही हैं। प्रैक्टिकली वर्कआउट होता नजर नहीं आता ये। और हमारे लोगों को आदत भी तो नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आज तुम लोग मेरे लिए काम करने वाले हो, वो भी मेरे तरीके से, कमिश्नर के तरीके से नहीं। I'm sorry. तैयार हो जाओ। सर बिल। आपको खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी, पराठा, उपमा, नान, चिकन, मटन, एक चना मसाला, वेजिटेबल करी, मसाला डोसा। बस एक बोतल पानी। एक बोतल पानी। चेंज नहीं है क्या? नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ले लीजिए पानी, थोड़ा वेट कीजिए। इनका क्या है? एक बोतल पानी के पैसे 20 रुपए। ये लो भाई, अपने पैसे लीजिए। ये आलियार जाने के लिए हाईवे के अलावा कोई और रास्ता है? आलियार के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाइए, वहाँ पर एक पुल है, पुल से लेफ्ट लेकर आरटीआरटी से आप आलियार जा सकते हैं। हाँ ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, मैंने सुना आप आरटीआरटी से होकर जा रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू? सर देगा? हाँ। कितनी प्यासी लड़की है ना। क्या अभी पानी मांगा था ना मेरे से, तो अपने काम करना। लगा सर बहुत अर्जेंट है, इसलिए आपके एक स्ट्रेंजर होने के बाद भी लिफ्ट मांग रही हूँ। प्लीज सर, सर आई विल पे यू। ठीक है। थैंक यू सर।
अबे देख गाड़ी कैसे निकाल रही है, जरूर कहीं ठोकेगा। अनिल तू चिंटू को कॉल करके उस गाड़ी का नंबर दे दे, वो कहीं भी हो उसको उठाने के लिए बोलना। हेलो हरी भैया, अरे सुनो मेरे फोन पर 100 रुपए का रिचार्ज कर दो। हाँ फुल टॉक टाइम। हाँ हेलो, बैलेंस ही गया, ऑफर भी नहीं पूछ पाया, बताओ कैसे चलेगा ऐसे। अरे अल्ताफ भाई कॉल कर रहे हैं, हमेशा की तरह कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा काम होगा। ठीक है बोलिए अल्ताफ भाई। अरे चिंटू मैं गाड़ी का नंबर बता रहा हूँ उसको नोट कर। हाँ जरा नोट तो करना। हाँ कर कर जल्दी कर। KL7J जी भाई 4702। ओके भाई। ब्लैक कलर की लैंसर है। मैं समझ गया भाई, वो सुअर का बच्चा कहीं भी मिले उसे उठा लेना। हाँ वो कंपनी पुल की तरफ से आ सकता है। हाँ ओके ठीक है भाई, भाई। पीछा करना? नहीं यार ये टेढ़ा मेढ़ा काम है, इसके पीछे पड़े ना तो जेब से पैसा भी जाएगा, किसी को कोई फायदा भी नहीं होगा। वैसे अल्ताफ को मेरा बहुत सारा पैसा वापस करना है। कोई कार है क्या? हाँ 4702। अरे ब्लैक कार है यार। 4702। हाँ मुझे मालूम है भाई, ये तो उस जेम्स की गाड़ी का नंबर है, शानदार कंडीशन की गाड़ी है। अच्छा पर हमारी कंडीशन बहुत ही खराब है, तू जाकर खाना लेकर आ, चल जा। तू क्या कर रहा है भाई, रोड रोलर चला रहा है, जरा तेज चला यार। आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? मुझे मालूम है वो कुछ भी ढूंढने वाला नहीं है। पर क्यों? उसको अभी भी थोड़ा पैसा देना बाकी है ना। ऐसा है तो फिर बोला क्यों नहीं, लेकिन आपके कहने पर उसको करना चाहिए था। अच्छा तू मुझे समझाएगा, उसे ये मामला पता चल गया तो वो भी पैसा मांगने लगेगा, ऐसा कुछ हो गया तो तेरे शेयर में से काट दूंगा। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको तो पता है मेरी शादी होने वाली है। हाँ हाँ बस कर, हम लोग चेट्टियार का धंधा चला रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है बोल के तुम लोग इज्जत भी नहीं करते हो ना। अभी तू भी तो मेरे साथ पैसे के लिए ही जा रहा है ना, किसी भी हालत में मैं इस काम को करके ही दम लूंगा। आप टेंशन मत लो भाई, ये डील हम ही करेंगे। तू बकवास बंद कर और सामने देख के गाड़ी ध्यान से चला। Are you okay? तुम हो कौन और तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा? मैंने कहा ना मैं पे कर दूंगी सर। और वैसे भी एक स्ट्रेंजर के साथ सफर करते वक्त डरना तो लड़की को चाहिए ना। ओह, आप एक डॉक्टर हैं? मेरा नाम है तारा, USD में सिस्टम हेड। एक्चुअली नए प्रोजेक्ट के लिए कल बैंगलोर जाना है, इसलिए उससे पहले घर से कुछ सामान लेना था। अपनी IT स्मार्टनेस अपने पास ही रखो, आने वाले जंक्शन पे छोड़ दूंगा, दैट्स इट। सर बट हेलो, हाँ हाँ गाड़ी मिल गई। नहीं नहीं सब ठीक है। हाँ हाँ बाद में बताऊंगी। हाँ ओके ओके अभी पहुंच जाऊंगी। देखो अगर तुम किसी को बताना चाहती हो तो बता दो। I'm sorry, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर, एंड आई स्वेयर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। हेलो, मैं अभी कारुकुट्टी से 2 किलोमीटर आगे हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि मुझे कहाँ आना है। हेलो हेलो ये आपकी बेटी है क्या? सर का पैसा ले लेना। अरे चल निकाल, अरे दे निकाल पैसा। कहाँ जा रहा है के लिए? सारे पैसे। अरे सुन मुझे पहले ही पता था कि लफड़ा होगा, ले गया ना सारे पैसे। भाई 2000 ही मिले। मैंने जो भी वहां बोला वो तुम्हारे लिए भी है। मैं जानता हूँ भाई, जो ज्यादा ऊपर उड़ता है वो जरूर नीचे गिरता है। दूल्हे जाकर गाड़ी निकाल। ठीक है एक बार दूल्हा बन जाऊं फिर बताऊंगा।
सर हमारी भी तो फैमिली है, हमें भी जाने दीजिए प्लीज। फैमिली, बेस्ट फैमिली। मेरा नाम जेकब है। एक बात पूछना चाहती हूँ। Are you in some sort of trouble? मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि डॉक्टर्स को टेंशन में पहले भी देखा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में किसी डॉक्टर से पहली बार मिल रही हूँ। मुझे नहीं लगता ये मेरी वजह से है ना? अगर नहीं बताना चाहते तो ओके। देखो, हर किसी के अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किसी से शेयर करना जरूरी है क्या? आई डोंट थिंक सो। और हाँ, मैंने तुम्हें थैंक्स बोला ना, वो मेरे संस्कार हैं। उस सिचुएशन में तुम्हारे होने से मुझे मदद मिली, बस इसलिए। नथिंग चेंजेस। आई एम सॉरी। हेलो, हेलो, चलकर मुझे आपकी और भी जरूरत पड़ सकती है, आप हेल्प करेंगे ना? तो बहुत बोरिंग है यार। अरे बिना किसी बातचीत के टाइम कैसे कटेगा बोलो? बात करने को कुछ नहीं है क्या? अच्छा चलो, तो तुम्हारे पति के बारे में बात करते हैं।
मैंने पहले क्या नंबर बताया था? नंबर KL7J4703। 4702। अरे वो तो आपने इंग्लिश में बोला था भाई, प्लीज आप मुझे कंफ्यूज मत करो। ये देख करेक्ट नंबर। नंबर एकदम करेक्ट है जी। डॉक्टर यही कहीं होगा, जाके देखना। अरे भैया इधर जाके देख, चलिए आइए। है जाके देख उसके साथ, वो पहचानता उसको। अरे सुन। प्लीज मुझे वहां मत लेके जाना, वो चेटियार के लोग हैं, मुझे देखते ही मार डालेंगे। चेटियार कौन? मेरे पास जो दवाई थी वो चेटियार को देनी थी। क्या है? कुछ नहीं, चल निकल। भाई मैं क्या कह रहा था, तू इधर लड़की देखने आया है क्या? जाके देख यार। अरे जा तो रहा हूँ। सब जगह पर हाँ, अच्छी तरह से देखो देखो। हाँ, देख रहा हूँ, नहीं है ना इधर। वैसे तेरे पास बचने का अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन तुझे यहाँ से जिंदा लेकर जाना मेरे लिए जरूरी है। सुनो, यहाँ पुलिस चेकिंग चल रही है, आप म्यूजियम जा सकते हो, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। हाँ? Excuse me? अरे कुछ नहीं देना, 20 रुपए का टिकट है, बस वही लेना है। कौन था बेवो? पता नहीं, मैं तो बस उनको टिप्स दे रहा था। हाँ, हम लोग तो पिकनिक पे आए हुए हैं ना, टिप्स देने के लिए। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। भाई आपको तो सिर्फ ये लगता है कि सारा दिमाग भगवान ने सिर्फ आपको ही दिया है, हम सब बेवकूफ नहीं है। पता है अगले महीने में 28 का होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी देखो 28 का होने की बात करता है, एक काम ढंग से नहीं कर सकता, शादी करके बच्चा पैदा करेगा। लगता है डॉक्टर की गाड़ी में कोई जा रहा है भाई। अरे अनिल बिहारी, अरे जा मेरी गाड़ी को पकड़। अबे अरे जा यार, रोक पकड़। अरे भाई अरे भाई छे, हमारी आंखों के सामने चलेगा, हम कुछ नहीं कर पाए। अरे मुझे क्यों घूर रहे हो, बोलो मैंने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया, वही तो प्रॉब्लम है, गाड़ी को धीरे नहीं तेज चला। बस वो सामान मेरे पास आने दो एक बार, फिर देखता हूँ तुम सबको, तुम्हारी शादी। वो भाग गया तो मैं क्या करूं, आपके साथ बस यही दिक्कत है। मर गए तुम लोग? हम चेक पोस्ट के पास है मैडम। हाँ तुम वहीं वेट करना, वहाँ सभी ऑफिसर्स को अलर्ट करना है। ओके, चिट्टियार के आदमी पीछे लगे हैं, दिस इज अ बिग चांस। ओके वहीं मिलते हैं। ओके आप क्या कर रही हैं? बस बहुत हो गया, अब मैं बताऊंगी क्या करना है।
बॉल डाल, अच्छे से बॉलिंग करना। बॉल फेंक जल्दी कर। क्या बे, गाड़ी रिवर्स लेके भागने का सोच रहा है क्या? जाओ पहले गियर में, कहां तक जाओगे तुम? कुछ लोग पीछा छोड़ देते हैं, लेकिन मैं पीछा कर करके मार डालूंगा। भाग निकल साले। भैया हमारा बैट दे दो। क्या कहा, निकलो यहां से। जैकब साले हरामी, तूने मुझे कितना दौड़ाया है? क्या घूर रहा है बे, मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है तू? अच्छा तू है क्या डॉक्टर की ऑपरेशन में मदद करने वाली नर्स? तो शेयर सबसे पहले ही फिक्स है क्या? पैसा लेकर जेब में रखकर सामान के साथ तुम लोग क्या हनीमून मनाने जा रहे हो? क्या बे, तू भी तो इसके साथ पैसे के लिए जुड़ी हुई है ना? तुमको मुझसे क्या मतलब है? मैं कोई कॉमेडी पीस लग रहा हूँ? देख तो भाई की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। तुम वो बैग लाके मेरी गाड़ी में रख दो और छमिया को लेके निकल जाओ यहां से। ये कौन है बे? अरे भाई, भाई, अरे ये बच्चे अंडे फेंक रहे भाई, अंदर आओ जल्दी। अरे बस करो यार, मत फेंको। अरे भागो। अरे यार ये बंदर लोग कहां से आ गए? अरे चलो चलो जल्दी निकालो गाड़ी, जल्दी चलो चलो चलना। अरे भाई कैसे चलूं? अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। चल चल चल। अबे तुमने क्या किया? अरे मान भी जाओ, बंदर हमारे पीछे क्यों पड़े हुए? क्या किया तूने, बोल बोल। क्या बोलूं भाई, आप ही ने उन बच्चों का बैट ले लिया था इसलिए वो अंडे फेंक रहे हैं। छी, भाई ये साफ नहीं होने वाला, बहुत बदबू आ रही है इसमें से। अरे कुछ साफ नहीं ना हो रहा है, पानी और लाइए, जरा लाइए तो। अबे ओए तू क्या कर रहा है बे? तू यहाँ से साफ कर, से अच्छे से पोंछ दे। साल अंडा अंडा कर दिया हर जगह। हाँ जल्दी लाइए और वहां पे शीशे पे मारिए। कांग्रेचुलेशंस, प्राण को कॉल किया था, उसने बताया तुम्हारी प्लानिंग के बारे में। जो भी हो तुम्हारा इंट्यूशन करेक्ट था, इतना सब कुछ होने के बाद भी यू स्टक ऑन टू योर डिसीजन। हाँ ऐसा होना भी चाहिए, अपने गोल को लेकर हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। उस दिन मैंने तुम्हें अपनी बहन समझकर बचाने की कोशिश की थी, जैसे एक भाई का फर्ज होता है, वैसे ही समझ लेना तुम, ठीक है ना तारा? हेलो, हेलो। आई विल कॉल यू बैक सर। अरे टीवी का वॉल्यूम कम करो ना। मैं काफी देर से आपका नंबर ट्राई कर रहा था। क्यों, क्या हो गया? मैडम वो प्लान के हिसाब से हम उनको ब्लॉक नहीं कर पाए, वो सिर्फ तीन लोग नहीं थे, पीछे और भी लोग थे। यूज़लेस, ये सब बताने के लिए बेशर्मों की तरह यहाँ भाग कर आए हो। मैडम आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने ही उन्हें बचाया, अगर हमारे पास और फोर्स होती तो ऐसा नहीं होता, पर आपने कहा उसकी जरूरत नहीं। ए, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जाओ। मैडम जो लोग हमारे साथ थे उनके बारे में तो आपने पूछा भी नहीं, हमने उन लोगों को रोकने के लिए पूरी कोशिश की थी और वो भी सिर्फ आपको बचाने के चक्कर में। मैडम और कोई रास्ता नहीं है, वो लोग जरूर बैग लेने आएंगे, अगर उन लोगों के हाथ में बैग लग गया तो हमारी पूरी कोशिश बेकार हो जाएगी,
इसलिए बैग मुझे पकड़ा दो और आप डॉक्टर को लेकर यहां से निकल जाओ। भाई आप फील्ड में ही हैं, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैनेजर ने भी नहीं बताया। अरे जब आप हैं तो फिर मुझे क्यों बुलाया? जो भी हो अच्छा ही है ना? जरूर भाई, हम लोग हैं ना आपके साथ। भाई मैनेजर का फोन है। उठाना मत, वो हमें धोखा देने की सोच रहा था ना, अब उसको सबक सिखा के ही रहूंगा। फिर उस कमीने जैकब को भी देख लूंगा, और वो छमिया है ना उसको भी। बस तुम लोग मेरे साथ रहना। जरूर भाई। उठाना। देखो ये ठीक नहीं रहेगा, अभी बता रहा हूँ, अपने शेयर में से एक पैसा भी नहीं दूंगा, सुन रहे हो ना? अरे क्या बोल रहा है, पता है तुझे ये कौन है? किंग है ये, समझा? किंग। अरे छोड़ना यार, उन लोगों ने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है, अब पता चलेगा कि अल्ताफ है क्या चीज। मैडम और कोई रास्ता नहीं है, अभी तक जो भी किया वो सब बेकार नहीं जाना चाहिए। मैडम प्लीज, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, अभी के अभी कोई फैसला लेना होगा। बैग के जाने के बाद इसको अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग कभी भी यहां पहुंच जाएंगे। हेलो, हेलो, मुझे कहां आना है बताओ। आने यार गेस्ट हाउस में। मैं आ रहा हूं। बहुत अच्छा। हमें उल्लू समझ रखा है क्या तूने? खाली बैग लाके तमाशा कर रहा है साले। अबे हाथ हटा, मुझसे पंगा मत लेना। मैंने तभी बोला था उस कार का पीछा करने के लिए। मुंह बंद कर अपना। बकवास करता है। हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे ना, तुम यही रहो। इस मामले को कैसे सुलटाना है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जॉनी लीवर और सुनील ग्रोवर को हीरो बनाने का गजब का स्क्रीन प्ले है। इंटरेस्टेड लोग संपर्क करें, बहुत मजा आएगा। वकील साहब। हेलो वकील जी, बोलिए। पहुंच गए? बाहर हो तो अंदर आ जाओ ना, पैसा चाहिए तो आना होगा। ये क्या कोई टिकट काउंटर है, सिर्फ हाथ अंदर डालते हो? अंदर आओ ना। नहीं मैं बस यहीं पर ठीक हूँ, तुम पैसा दे दो मेरा। वो डर रहा है साला, कल अगर तुमने पुलिस के सामने इसकी पहचान कर दी तो क्या होगा? वकील साहब मुझे देखिए, मैं दिलेरी से यहाँ बैठा हूँ। जो दिलेरी से करता है वो सब ठीक है, ये मत समझना। वकील साहब वो तो पॉइंट है, लेकिन बेवकूफी के लिए कोई तो चाहिए, थोड़ा सा दिलेर। तेरी तो मैं, कहां से तूने गाड़ी चलानी सीखी, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब मेरी दुकान के ऊपर से अपनी गाड़ी रिवर्स करेगा क्या? ऊपर से?
हाँ ऊपर से। अरे थोड़ा बेंच हटा दिया होता तो मैं अब तक निकल जाता ना। अरे सुनो, वो बेंच हटा दिया होता तो ये गाड़ी ले गया बस होता। थोड़ा सा टच ही तो किया है। बस टच ही किया है? तुझे टच करने के लिए पूरी रोड पर मेरी ही दुकान मिली थी क्या? कहीं और जाके मरता? जब तक तू नुकसान के पैसे नहीं देता तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बस पैसा चाहिए तुम्हें किस खुशी में? ये ट्रक हटाओ यहाँ से। तुझे ज्यादा जल्दी है तो तू ही हटाकर साइड कर देना। देखो भैया थोड़ा सा टच हुआ है, इस बात के लिए इतना हल्ला मचा रहा है ये? हाँ मैं मचाऊंगा हल्ला। तू निकल यहाँ से, निकल चल। पागल है क्या? हाँ मैं पागल हूँ, क्या करेगा? जानता है ये मेरे बाप की दी हुई दुकान है, इसकी कैसे संभाल कर रहा था ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तू पैसे भर कर कहीं भी जाकर मर। एक भी पैसा नहीं मिलने वाला तुझे, अगर हिम्मत है तो वसूल करके दिखा। लेके दिखा। हाँ लेके रहूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या बोला मैं? देख इस तरह से तू मुझे धक्का मत दे और मेरी चाबी वापस कर दे। अब बताता हूँ तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई चाबी फेंकने की? छोड़ मेरा। अरे गला कैसे पकड़ रहा है? अरे गला नहीं पकड़ रहा, मैं तुझे बताता हूँ अभी। मैं मेरी चाबी कैसे फेंकी मुझे ये बता। की तैसी एक तो नुकसान कर दिया, तुझे पैसा नहीं देगा? हां बिल्कुल नहीं दूंगा। बिना पैसे दिए तो तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा यहां से। अब ढूंढ के ला चाबी, देखता हूँ तेरा ट्रक कैसे जाता है यहाँ से। आज ट्रक तो मैं लेकर जाऊंगा। कैसी तेरी, देखो 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 कैसी गुंडागर्दी मचा रखी है, है? एक तो मेरी दुकान का नुकसान कर दिया, ऊपर से पैसे देने को मना कर रहा है। तो क्यों पैसा पैसे? तो मैं लेकर रहूंगा तुझसे। मैं बिल्कुल एक तेरे पैसा तो अच्छे भी देंगे। देखता हूँ तू कैसे पैसे नहीं देता है। बिल्कुल नहीं। गरीब इंसान की हाय लगेगी तुझे। मेरी दुकान तोड़कर मेरा नुकसान करके ऐसे ही निकल जाएगा तेरी तो। छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे बचना ही था तो मैं अब तक बच चुका होता। मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा ही। अभी तू जितनी भी हिम्मत दिखा रहा है ना बेटा, कब तक दिखाएगा मैं अभी देखती हूँ। पैसा नहीं भरेगा मैं तुझे यहाँ से, एक कदम नहीं हिलने दूंगा। अरे मैं यहाँ से जाऊंगा। नहीं देखा? अरे तेरे तो अच्छे अच्छे देंगे मुझे पैसे। सारी दुकान का सत्यानाश कर दिया मेरा, नुकसान नहीं होता। क्या हो रहा है ये सब? ये पुलिस है। पुलिस? अरे ये कौन सी पुलिस वाली है, सैल्यूट करके दिखा दो। भाग यहाँ से। ये लड़का है या लड़की? साला पहली बार ट्रिप मारा है उसमें भी ब्लॉक मिल गया है यहाँ पे। अबे तुम लोगों के साथ आया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी तो देख क्या क्या सीन होगा यहाँ। क्या करें? अबे चिल मार, अपन ठीक करता है। भाई लगता है कुछ प्रॉब्लम है, हम आगे नहीं जा पाएंगे क्या? तुम जैसे नमूने मेरे साथ रहेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है क्या? थोड़ा जाके देख क्या, अबे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बोल रहे हैं ना भाई जाके देख। एक मुसीबत तो गाड़ी में बैठा है, ये गाड़ी आखिर रोकी किसने है? हैं? हैं? ए तू बाहर निकल, बाहर निकल। भाई भाई भाई, वही डॉक्टर निकल रहा है। पकड़ो साले को, तू क्या कर रहा था बे? अबे साले गाड़ी निकाल। Have you gone mad? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ पर्सनल रीजंस हैं। पर्सनल?
क्या कर रहा है यार? अरे यार मेरी आंखें ना थोड़ी डल सी लग रही हैं, पता नहीं क्यों। हाँ कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हो तुम। अरे एल्डो भाई, ये बताओ कि जब आप घर से निकलते हो ग्रेस आंटी से क्या बोल के आते हो? अरे चर्च का बोल के आता हूँ ना। चर्च का बोल के आते हो? हाँ मतलब आप जब भी ट्रिप मारने जाते हो हमेशा यही वाला घुमा के आते हो। और क्या, बहुत बड़ा भक्त है आप उनके। भक्त है क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे भाई मुझे तो यही डर लग रहा है कि अगर घर वालों को पता चल गया कि हम मजे करने गए हैं तो। एक चाटा मारूंगा, तेरा मन था ना गोवा जाने का, हाँ मैं प्लान बनाया। अच्छा एक बात बता, तूने घर पे क्या बोला? अरे मैंने बोला कि मैं प्रेयर रिट्रीट के लिए जा रहा हूँ। क्या बात है, अबे सब मैं अपुन भी फंस गया क्या? अरे ये लोग कैसे सो रहे हैं देख जरा, हम यहाँ जाके बैठे हैं, जरा इन्हें देखो। अबे उठो आलसी हो। अरे चल बे, जल्दी उठ। क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा हूँ बे। पहुंचे नहीं जी महाराजा, अगले मोड़ के बाद आ गया गोवा। ए बस कर बस कर, खेत में खेलने वाले को स्टेडियम लेके जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना, पता ही नहीं इनको कुछ। सही में फालतू लोग। ए मैथ्यू भैया एक बात बता, तूने वो मूवी देखी है गरम मसाला, वो जो थी मोक्ष वाली? हाँ वही वही जिसमें जॉन भी था। बिल्कुल वैसी जगह जा रहे हैं अपन लोग। अच्छा ये नीला नीला समंदर होगा, बड़ा सा बीच होगा सामने, और वहां मिलेंगी हॉट चिक्स। हेड चिक्स? ए हॉट चिक रे, हेड चिक नहीं। अबे गाड़ी चला ले चश्मेश। अच्छा सुनो भैया, हाँ हम बीच पे जा रहे हैं लेकिन मैं आपके भरोसे आया हूँ, ऐसा ना हो सब कुछ हो जाए और मार खा के हम बीच पे भागते फिरें। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा होगा भाई, सबकी लाइफ में होता है पहली बार। मार खा के दौड़ने का भी फर्स्ट टाइम होता है क्या? अबे देखेंगे तूने गन और गोली, लेकिन एल्डो है समझा क्या? अबे किसको इतनी जल्दी है, अबे चुप कर जा, अबे जान दे इसको यार, जान दे जाड हो यार। अरे साथ में कौन था? हाँ भैया लड़की है, लड़की लड़की दिखे। अरे मैं तो कह रहा हूँ इनके पीछे लगा दो गाड़ी, और तेज भैया और तेज। अरे चला तो रहा हूँ यार, और कितना तेज चलाऊंगा। अबे ये लड़के लोग क्या कर रहे हैं यार, अबे गोली है क्या मारने के लिए सालों को? बिल्कुल भाई चला के देखो भाई, कितना गोली आएगा बे, क्या बढ़िया चीज है। अबे कुछ चक्कर है यार, इसकी साइड से आगे निकालना देना यार। हीरो भाई अबे जला ना, जला। हाँ, लो, आ जाओ, आ जाओ। एक साथ तीनों सिगरेट क्यों जला रहे हो? तो क्या हुआ? अरे एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा तुम लोगों को। अरे बताओ ना। अच्छा ठीक है बताता हूँ तुम्हें। जानते हो एक बार की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक साथ तीन सैनिकों ने सिगरेट जलाई थी। अरे तो मेरी जलाना तभी तो फील आएगा। पहला पफ लेते समय उसने लोड किया था। दूसरा पफ लेते हुए उसने एम किया। और तीसरे पफ के बाद उसने सीधा आखिर तुम हो तो औरत ही। भगवान के नाम से झूठ नहीं बोलना था। अरे नीचे, अरे पहुंच जाएंगे तो बता देना मुझे। अरे मर जाएंगे नीचे भैया। अरे क्या हो रहा है, भगवान बचा लो। अरे भाई ये हम कब गए, बचा लो। पीछे हटा भाई, भाई अब क्या करें? अबे रो क्यों रहे हो, चुप रहो। चुप कर। अबे क्या गोली लगी क्या? अरे
फंस गए यार। गोली भी खत्म हो गई, अबे गोली दो। नहीं है भाई, सॉरी भाई। अयो भगवान बचा ले, बचा ले। हुई, बच गए, बाल बाल बचे। अरे सब जिंदा है यार वो। अबे तुमको बोला था ना एक साथ नहीं जलाने का सिगरेट। बहुत मस्ती हो गई, सीधे घर चलो यार। क्यों आ गया आज मैं? एल्डर भैया सच बोल रहे थे, तीन सिगरेट कभी एक साथ नहीं जलाने का। अब क्या करें? अबे जो बचा है ना उसे लेके घर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो गवाना पड़ जाए। सपना अधूरा ही रह गया। जेकब आगे देख, रोड क्लोज्ड है। Shit. अरे राइट ले ले बे, राइट ले ले। अरे ब्रेक मार, ब्रेक मार, मैं साले ब्रेक मार। अबे पकड़ो सालों को, हाथ से ना निकल पाए, पकड़ो। अरे अबे पीछे करो उसका, जल्दी पीछे करो, उसको छोड़ना नहीं। दरवाजा सब बंद है भाई। भाई बैग गाड़ी के अंदर है। पत्थर उठाइए, पत्थर ये लीजिए, इससे मारिए, इससे ये नहीं चलेगा, ये इससे इससे। हाँ अंदर काढ़ो, अंदर काढ़ो। हो गया, टायर पंचर। यहाँ छुपन छुपाई खेलने आए थे क्या? एक बैग के लिए तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन अब वो काफी नहीं है। तू क्या सोच रही थी? ये अल्ताफ कौन है तुझे मालूम नहीं है साली? दिखा दूँ क्या? You bloody! आजा, छोड़ना नहीं आज। पकड़ो पकड़ो, अबे पकड़ो, चल दे। अबे पकड़ो, हाथ से ना निकल पाए। अरे पीछे करो, तुम उस तरफ से जाओ और तुम इधर से आओ। पकड़ो, चलो पकड़ो पकड़ो, अबे पकड़ो, आज नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ो, हाथ से ना निकल पाए। आओ जल्दी करो। हे, अरे पकड़ो, जल्दी आओ, जल्दी। हाँ।
ए, सुनो तुम इस तरफ जाओ। अभी भी तुझे लग रहा है तू आगे जा सकता है? ऐसा है तो भूल जा। आई एम नॉट लेटिंग यू गो। मैं तुझसे बात कर रही हूं, सुना? अब मुझे तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत है? थोड़ा हिम्मत और जल्दबाजी के अलावा तुम्हारे पास और है क्या? सो जस्ट लीव मी अलोन। यू तेरा और तेरे बैग का एस्कॉर्ट समझ के रखा है क्या मुझे? हाँ, तू तो गया जेकब। यू आर फिनिश्ड। मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं बस यही देखने के लिए तुझे अब तक बचा के रखा हुआ था, समझ गया ना? तुम एक घंटे के अंदर पहुंचोगे ना? हाँ ठीक है फिर। और तुम्हारे साथ जो है उसको जरा फोन देना। हेलो हेलो मैडम, सुन रही हो ना? हेलो हेलो हेलो। नमस्कार जी, आप भी डॉक्टर के साथ आ रही है ना? मुझसे मिलने का बहुत अच्छा मौका है। छोड़ना नहीं और देर ना करना, मैं बोर हो रहा हूँ। तो जल्दी मिलेंगे, ठीक है? We'll be right back.
जैसा तुमने बोला, मेरी हिम्मत अब खत्म होने वाली है। तुम मुझे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रही थी, लेकिन अनजाने में तुम मेरी मदद कर रही थी। मेरे मन में एक ही दुआ थी कि अनिरुद्ध को यह बात कभी ना पता चले कि मैंने ही पुलिस को इस डील के बारे में बताया। चेट्टियार और अनिरुद्ध का पैसा ही मेरा मकसद था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने खोदे गड्ढे में मैं खुद ही गिर जाऊंगा। हर बार बचते वक्त मैंने सोचा कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन अब सब की कीमत मैं इस बैग से चुका पाऊंगा या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। अभी भी तुम्हारा मेरे साथ सफर करने का मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात पक्की है कि मेरा सफर यहां खत्म होने वाला है। अनिरुद्ध, कहाँ है? क्या? अबे बैग कहाँ है? कार में है। ये लो। बहुत मुश्किल से इसे यहां तक पहुंचाया है। तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा। मेरी अनिरुद्ध से बात हो गई थी। डॉक्टर से टेंशन नहीं लेने का बोल सकती थी ना? देखो, मुझे अनिरुद्ध से मिलना है। जब गलती करेगा तभी टेंशन लेने का। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब इसके साथ ही आए हो तो मैडम खुद ही सर को दे देंगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर, थोड़ा संभालो खुद को। हरामी गिरी करके यहाँ पर नाटक कर रहे हो क्या? डॉक्टर डर लग रहा है क्या? हाँ पहुंच गया, दे रहा हूँ। सर हैं, मैडम अकेले अंदर जाइए, डॉक्टर यहीं रहेगा। हे नो, माना मुझसे एक बार गलती हो गई थी, लेकिन मुझे एक बार अनिरुद्ध से मिलने तो दो प्लीज। प्लीज मैडम जाइए, टाइम नहीं है, सर को कुछ बात करनी है। मैं प्लीज, मुझे भी बाहर एक गाड़ी खड़ी है, इनको जरा इनके घर छोड़ देना, और इसके अलावा कोई बेवकूफी ना करना। चलता हूं, थैंक्स।
जेकब को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? जेकब, मैं बताती हूँ, अभी यहाँ से चलते हैं, आओ। कहाँ थे तुम? मैडम। हाँ, इन्हें ध्यान से लेके जाओ, मुझे अगले स्टेशन तक जाना है। उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम जाओ। हैं? लेकिन बैग? This is not the time। मतलब आप भी यही चाह रही थी क्या? मैं समझी नहीं। बैग यहाँ तक इतनी मुश्किल से लाकर अनिरुद्ध को ही देना था तो फिर आज नहीं तो कल किसी के हाथ से खत्म हो जाएगी तू। वो शायद मेरे ही हाथ में लिखा हुआ होगा। अगर तू यहाँ मर भी गई तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये करना भी मुझे आता है। जानती हो एक फोन कॉल के पीछे क्या किया है तुमने? एक जेकब, एक चिट्ठियार और एक बटालियन पुलिस। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? बचे हैं सिर्फ दो बेवकूफ गुंडे। कोई और भी है? हाँ, अनिरुद्ध। वो कहां से आया और कहां चला गया कोई नहीं जानता। तुम्हारी जिद की वजह से एक बेचारे सीआई की जान चली गई। सर, विजय की वजह से ये एक मिनट, मुझे कुछ नहीं सुनना है। दो लोगों की मौत के लिए तुम्हें जवाब देना होगा। I need a detailed explanation. Sir. Madam, डॉक्टर की जो डेड बॉडी मिली थी उसकी बीवी ने आइडेंटिफाई कर लिया है। मैडम, इस पर जरा साइन कर दीजिए। साइन करो। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सर को दे दूंगी मैं। जानबूझकर किए गए दो मर्डर्स तक मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है। ये दोनों, ये तो अनजाने में हुए हैं। इनमें से एक डॉक्टर, एक क्रिमिनल डॉक्टर, और दूसरा एक क्रिमिनल पुलिस। सो अब तेरी आरती उतारूं क्या? थोड़ी देर हो गया तो क्या हुआ सर, अब तो यही रहना है ना। मुझसे पंगा मत लेना, समझ गए? आगे पीछे मुझे कुछ नहीं देखना। अभी आप भी हमसे इज्जत से बात करिए सर। पहले जैसी पुलिस की धमकी नहीं चलेगी सर, हमने भी कई पुलिस स्टेशन देखे हैं। हाँ, ये क्या कह रहे हो भाई, आप होश में? अरे तू डर मत ना, पहले जैसे गुलाम थोड़ी हम लोग। हमें मारा तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और सुन ले, यहाँ का खाना सबसे बढ़िया खाना होता है, घबरा मत। चल, जैसे ये लोग बोलेंगे वैसे तो करना ही पड़ेगा ना। भाई देखो तो, ये कौन है? ये साला इधर भी है। वैसे आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं, याद है ना? देखो, ये लोग जो भी मांग रहे हो इन्हें खिला देना, ओके? और इनका वेलकम ड्रिंक मैं भी अंदर भेज रहा हूं, और इसके बाद मिलेगा तुझे असली बूफे। मेरे बोलने से पहले पानी की एक बूंद तक मत देना। ये पुलिस स्टेशन है, इसके बाप का घर नहीं है। चल अंदर।
पुरानी कहानियाँ रिपीट करनी है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं थोड़ी बिजी हूँ अभी। नहीं नहीं, मुझे किसी और बारे में बात करनी है। सेंट थॉमस चर्च जानते हैं? जेकब के फ्यूनरल में इतने लोगों के आने की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और आपके भी। आपने कहा था जेकब हमें बचाने आ रहे थे। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया तो उसकी पुरानी बहुत सारी गलतियां मुझे भूल जानी पड़ेंगी। सच कहूँ तो जेकब को अब मैं अपनी यादों तक में नहीं रखना चाहती, या उसके साथ बिताए हुए समय को। इसलिए उसके या उसके दोस्तों के बारे में मुझसे पूछने के लिए मत आइए, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। इसी का ही हस्बैंड था ना जो मर गया? पर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? He risked his life for them. मैंने खुद देखा था। कैंप नहीं जाना क्या? जाना तो है, कल नाइट ड्यूटी थी। मिलने के लिए कॉल कर रहे थे? आओ अंदर आओ। तुम तो पूरा ही बदल गए हो, पूरी तरह मेकओवर हुआ है। तुम आज बिजी हो क्या? हाँ थोड़ा सा तो बिजी हूँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा था। फिर भी चलेगा, उसके आने तक हम बात करते हैं। आओ। तुम पियोगे? अरे नहीं। चेट्टियार एक्सपोर्ट्स, तुम अभी भी इनसे जुड़े हो क्या?
शुगर का धंधा, वो सब अब आउटडेटेड हो गया। मेथमफेटामिन रेयर आइटम है, वही है चिट्टियार के साथ होने वाली नई डील। यानी कि बड़ी डील है, 4 करोड़ की। 2 करोड़ एडवांस लेके डील पक्की कर ली, पुरानी छोटी मोटी सब डील्स छोड़ दी मैंने। तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, तुम भी ऐसे ही कुछ काम करने की कोशिश करो, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। देखेंगे। हाँ, लिजी और बेटी नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग यहां है नहीं क्या? आ, किसी ने उनको उठा लिया। क्या कह रहे हो, किसने? कोई अनिरुद्ध है, चेट्टियार को देने वाला जो माल है वो उसे चाहिए। और फिर? डील 6 करोड़, लेकिन उसको लग रहा है कि वो बहुत चालाक है। मेरी कार में माल लेके जाना है और उसी कार से लिजी और बेटी को वापस लाना है, ऐसी कई सारी कंडीशंस। तो तुम मान गए क्या? हाँ मान गया, लेकिन डील के बारे में मैंने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। क्या बोल रहे हो तुम, लिजी और बच्ची उनके पास है ना, पंगा हो जाएगा। कौन सा पंगा? आज शाम इस देश को छोड़ने वाले मुझे कौन चेट्टियार, कौन अनिरुद्ध, कौन लिजी? लिजी और उसकी बेटी को छोड़ने का इससे अच्छा मौका मुझे कहां मिलेगा? ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं? जेकब, बाइबल में जेकब का मतलब सब्स्टिट्यूट होता है। आज से मैं हूं वो सब्स्टिट्यूट, यानी जेकब। ऐसा कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब उसे कैसे ढूंढोगी? मैं नहीं जानती, अगर पकड़ भी लिया डिपार्टमेंट में क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी? जो मर गया वो कोई और जेकब है, वो भी जब उसकी फैमिली ने बॉडी पहचान ली, या फिर उसको पुलिस से और चिट्टियार के गुंडों से मैंने बचाया था ये बोलूं? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं। फिर भी उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, वो कौन है ये जानना जरूरी है। लेकिन इसको तो शायद मैंने पहले कहीं देखा है। किसी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो मैडम, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भूली तो नहीं होंगी, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई नाम यूज करना ही है तो आप मुझे उसी नाम से बुला सकती हैं, जेकब। मैं बेवकूफ बन गई ये सोच रहा है क्या? अरे नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं मैडम। दूसरी बात, उस दिन हम पुण्य करने के लिए थोड़ी भाग रहे थे, आप और मैं, उनमें से कुछ प्लानिंग किया हुआ एक आदमी मैं ही था। ऐसा है तो नेचुरली सक्सेस तो मेरी ही होनी चाहिए ना, है कि नहीं? सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए आपको कॉल कर रहा हूं, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता। आपने मेरी बहुत मदद की, तो एक तरह से ये हम दोनों की जीत है ना, है कि नहीं? तू ये तो सोच के खुश नहीं हो रहा है ना कि मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी? ज्यादा सोचने पर एक बात मुझे समझ आ गई, एक्सक्यूज मी, कि मैं क्या हूं। वो तेरी वजह से ही क्लियर हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। उसके लिए मुझे तुझे थैंक्स कहना चाहिए, पर अभी नहीं, जिस दिन तुझसे सामने मिलूंगी तब। बट दैट डे मिस्टर जेकब, आई विल बी प्रिपेयर्ड। कब होगा कैसे होगा नहीं जानती, पर तू और मैं एक दिन जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे मैडम, अब सिर्फ मैं ही आपको रोज देखूं ये अच्छा नहीं लगता ना, है ना? Anyway, thanks again. Bye-bye.
आज यहां जेकब का किरदार छोड़ते वक्त भी मेरे साथ मेरा अपना रीजन ही है। युद्ध में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, युद्ध के अंत में सिर्फ जीत या हार होती है।